नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु पांडे। इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं और हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों को लेकर। तो आइए इन पांच बड़ी खबरों पर अपनी टीम के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट विष्णु स्वरूप के पास। सर, बिहार में चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज़ हो गई है। ऐसे में आज नीतीश कुमार का एक बयान सामने आया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते वक्त कहा, बिना नाम लिए, कि 9 बच्चों को पैदा करने वाला वो विकास क्या करेगा। वो विकास करने चले हैं तो ऐसे में क्या विकास होगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये 9 बच्चों का जो सवाल है ना, ये सवाल महज एक स्लोगन था। ये जनता को ये बताने की कोशिश है कि जिन्होंने अपने परिवार को नियोजित नहीं कर पाए वो बिहार को कैसे संभाल पाएंगे। ये एक इशारा था और इन इशारों के पीछे नीतीश कुमार की मंशा कोई पारिवारिक या कोई ऐसा आरोप या प्रत्यारोप का नहीं है, जैसा मैं समझता हूँ। सिर्फ बात थी तो ये 9 बच्चे, और उनमें ये भी बात आती है कि वो एक डॉक्टर बन गए, एक इंजीनियर बन गए, और दोनों बेटे पीछे कैसे रह गए, ये सारी बातें भी है। तो ये एक इशारा था, कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है, लेकिन ये अब मुद्दा बन चुका है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप चुनाव के समय में चलते रहते हैं, उसमें इस तरह के आरोप अभी इतना वल्गैरिटी नहीं आया है, इतनी विवादित बयान अभी सामने नहीं आ रहा है। अभी तो पहला चरण कल होना है, वोटिंग होनी है कल, ये तीसरे चरण तक आपको इससे ज़्यादा ही दिखाई देगा, क्योंकि हर बार ऐसा ही रहा है। और ये बहुत ज़्यादा या कुछ ऐसा आपत्तिजनक मेरी नज़र में ऐसा नहीं लगता है। कहने के लिए तेजस्वी ने तो कहा है आशीर्वचन, लेकिन जहाँ तक एक कवि की कुछ ऐसी पंक्तियाँ याद आती है जो बिहार के वोटरों के ऊपर लागू होती है, कि एक बार केमिस्ट्री की क्लास में थोड़ा हाथ क्या दबाया, पिछले 30 वर्षों से पांव दबा रहा हूँ। कुछ ऐसी ही हालत वोटरों की है जो 30 वर्षों से इन दोनों के बीच में है। तो ये जो आशीर्वचन कहते हैं, जो आरोप लगाते हैं, ये एक दूसरे पर है। कल ये खेमा फिर पलट जाएगा, वो उधर से आरोप लगाएंगे और ये आशीर्वचन मांगेंगे। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है अभी बिहार में। बिहार में पहले चरण का चुनाव कल यानी 28 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, ऐसे में बिहार में क्या तैयारियां हैं इस चुनाव को लेकर, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी उत्कर्ष से। तो जब बिहार में चुनाव हैं, इसको बता दें कि आम चुनाव कोरोना काल में पहला ऐसा आम चुनाव है जो बिहार में होने वाला है, जो कि जिसका पहला फेज 28 अक्टूबर यानी कल होने वाला है। आपको बता दें कि 16 जिले के 71 विधानसभा सीटों पे कल मतदान होने हैं। मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हों चाहे जिला निर्वाचन पदाधिकारी हों, सब ने जागरूकता अभियान अपने सिरे से काफ़ी की है। आपको कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ कि बता दूँ कि जो 2015 में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 5 फेज में मतदाताओं ने मत अपना दिया था, और आपको बता दें कि इस बार सिर्फ 3 फेज में चुनाव होने हैं। हालांकि पिछले बार से ज़्यादा बूथों की तैयारी निर्वाचन आयोग ने कर ली है, और हर बूथ पे जितने भी सैनिटाइज़र हैं, मास्क हैं और जो सुरक्षा बल हैं उनकी काफ़ी तैनाती की गई है। हालांकि हर साल हर इलेक्शन में बिहार में जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ता ही जा रहा है। 2010 की बात करें तो 52% के साथ, और इस बार 2015 में 4% बढ़ के 56% वोट परसेंटेज था। अब देखना यह होगा कि बिहार में 2020 का जो चुनाव है उसमें लोग कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लोग कितने वोट देते हैं और कितने मतों का उपयोग करते हैं। तो जैसा आपने कहा कि इस वक्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन कोरोना के इस काल में जिस तरह अभी दिखा जा रहा है कि कोरोना की जो रफ्तार है, संक्रमण की रफ्तार है, वो धीमी हो गई है, इसके बावजूद कई नेता संक्रमित पाए गए हैं, तो क्या लगता है आपको इस चुनाव के इस माहौल में जब भीड़ जुटेगी, लोग बाहर निकलेंगे चुनाव के लिए, तो क्या लगता है कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ेगा, क्या इसका क्या असर पड़ेगा?
हालांकि आपका बात कहना सही है मनु, कि जो जितने भी अभी नेता हैं, कुछ बीजेपी के नेता हैं जो संक्रमित हो गए हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी संक्रमित हैं, इस वजह से लोग में थोड़ा सा डर तो ज़रूर है, पर लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमने जितनी भी रैलियां कवरेज की है, जितने भी फुटेज देखे हैं, उसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लोग अपने मतों का ज़रूर प्रयोग करेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी लोग मतदान करेंगे। चुनाव को लेकर सभी नेता जो हैं वो अपने अपनी तरफ से लगातार एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं, सभी के एक से एक बढ़कर बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने महंगाई को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी ऋतिक। देखिए मनु जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि महंगाई हर एक सरकार में भी बढ़ती है, और इस बार जो चुनाव आ रहा है विधानसभा चुनाव, वो खुद में एक ऐतिहासिक है, क्योंकि ये तो कोरोना के काल में हो रहा है। लेकिन जहाँ पर हर एक राजनीतिक दल जो है बिहार के कोने कोने में जाकर तो कर ही रहे हैं जनसभाएं और एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। तेजस्वी यादव भी मोतिहारी गए थे, जहाँ पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया था, और जनसभा में उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर, राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर उनका जो ये आज का जो भाषण था मोतिहारी में, जो उन्होंने भाषण दिया, वहाँ पर उन्होंने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को महंगाई को लेकर सबसे बड़ा उन्होंने निशाना साधा, और महंगाई को लेकर, आर्थिक व्यवस्था को लेकर और बेरोजगारी को लेकर गंभीर समस्या बताया था तेजस्वी यादव ने, और कहा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, प्याज का जो रेट है वो हर एक बार बढ़ता है, ऊपर नीचे तो होता रहता है। इस बार भी आई थिंक 100 के ऊपर चल रहा है, उसका 100 रुपये किलो के ऊपर से चल रहा है, और उससे ज़्यादा ही चल रहा है, उससे नीचे तो नहीं चल रहा। और तेजस्वी यादव को भी एक, मुझे लगता है कि एक मुद्दा मिल गया, जहाँ पर उन्होंने उनको लगा कि राज्य सरकार पर निशाना साध सकते हैं, और साध भी दिया उन्होंने। और एडी चोटी का जोर तो हर एक पार्टी लगा रही है, लेकिन अब तो देखना ये है कि देखिए पब्लिक है, पब्लिक को पता है कि उसे किसकी सरकार चाहिए। 10 नवंबर जो दिन होने वाला है वो बताएगा खुद, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल तो अपनी एडी चोटी का जोर लगा ही रहे हैं, और महंगाई भी बढ़ रही है। अब उन्होंने अपनी बात बोली है, उन्होंने सरकार पर निशाना साध दिया महंगाई को लेकर, हर एक तरह की बात उन्होंने अपने हर एक जनसभाओं में बोली। लेकिन इस बार जो उन्होंने बोला है वो प्याज का माला लेकर पहुंचे थे, प्याज का माला लेकर वो गए, और जहां पर उन्होंने मंच पर सही दिखाकर एक तंज भी कस दिया सरकार पर, नीतीश सरकार पर भी तंज कस दिया कि महंगाई पर काहे ना बोला तड़े, उन्होंने भोजपुरी के शब्द में लेके बोल दिया कि भैया महंगाई पर बोली है, महंगाई पर चुप्पी क्यों साधी है। अब चुप्पी नीतीश कुमार कब तोड़ते हैं, क्या होगा नहीं होगा, महंगाई गिरती है कि नहीं गिरती है, ऊपर नीचे क्या होता है, वो तो अब तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब चुनाव है और एक दूसरे पर दोनों का पलटवार जा रही है, तो अब तो आने वाला वक्त बताएगा। कल 28 भी है, तो पहला चरण में मतदान भी है, तो धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आखिर सरकार बिहार में किसी बनी, क्योंकि ये जनता से कुछ छिपा नहीं है, जनता के पास पूरा अधिकार है, और अपने मत का प्रयोग करके वो आने वाले वक्त में किसी जिसकी भी वो सरकार जरूर बनाएगी। कल प्रथम चरण का चुनाव होने वाला है, जिसमें 1066 जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। तो इसमें एक चुनाव आयोग का इस बीच एक बड़ा फैसला आया है कि जिन लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है या जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनका क्या होगा, वो किस तरह से इसमें भागीदारी देंगे, इसमें किस तरह से योगदान देंगे, उसके लिए क्या फैसला किया है चुनाव आयोग ने, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी आमिर के साथ। थैंक यू मैम। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो फिर भी आप अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास 9 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, 9 दस्तावेज। पहला होता है पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप बूथ पर जाएं और वहां पे जाकर आप वोटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उससे भी आप वोटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के आईडी प्रूफ है, तो उसके ज़रिए भी आप जो है अपना वोटिंग अधिकार कर सकते हैं। उसके बाद आपको, अगर आपके पास मनरेगा कार्ड है, अगर आपके पास हेल्थ कार्ड है, अगर आपके पास पासपोर्ट है, तो ये 9 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसका अधिकार आप मत के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कल आप जाएं, पहले चरण का चुनाव है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो निश्चिंत रहिए, कल आप इन डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए आप वहाँ पर जाकर अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप बिहार के वोटर हैं और आपके पास वोटर आईडी कार्ड या वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर अपने इन 9 डॉक्यूमेंट्स के साथ, जैसा कि हमारे सहयोगी आमिर ने बताया, इनको साथ लेकर जा सकते हैं और वोटर मतदान में अपना जो योगदान है वो दे सकते हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए नेशन न्यूज़। नमस्कार।